साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, खबरों को शुरू करने से पहले जो पुरानी खबरें हैं उसको थोड़ा सा विस्तारित कर देते हैं, क्योंकि देखिए जो भी छात्र बिहार में एसटीईटी एग्ज़ाम को दे रहे थे उनमें से पहले ही दिन का, जैसे कि 4 सितंबर को जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें परीक्षा मुजफ्फरपुर में जो है पेपर लीक, यानी कि जो है वहाँ पर सेंटर पर जो है हैकिंग करके जो है आपका जो है सेंटर मैनेज किया गया था, जो कि एक न्यूज़ अपडेट भी आया था, जो कि मुजफ्फरपुर का ये सेंटर है दोस्तों जिसका कि एग्जाम सेंटर कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। लेकिन वो छात्र परेशान थे, लगातार यहां पे पूछ रहे थे कि भैया इसका जो है एग्जाम कब तक होगा। तो यहां पर देखिएगा जो सेंटर कोड है, जहां पर जो कि गणित का एग्जाम हुआ था उस दिन, जो कि विषय कोड यहां पे 110 है उसका, जिसके एग्जाम जो है 4 सितंबर को प्रथम पाली में आयोजित हुआ था, उसको अपरिहार्य कारणवश रद्द कर दिया गया था। लेकिन कारण आपको मैंने बताया था न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो सारी अपडेट आई हुई थी। अब बता दें आपको कि दोनों ही परीक्षा केंद्रों पर, जो कि यहाँ पे दो परीक्षा केंद्र थे जहाँ पर कि 4 सितंबर को प्रथम पाली में आवंटित अभ्यर्थी को पुनर्परीक्षा जो है 18 सितंबर को लिया जाएगा और ये निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र का विवरण जो है आपके एडमिट कार्ड पर अंकित है। तो आप जितने भी छात्रों का 4 सितंबर को यहाँ पे सेंटर जो है रद्द किया गया था, यानी कि एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था, आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। उनका एडमिट कार्ड पर ही आपका जो है सेंटर दिया गया है और संबंधित सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र समिति वेबसाइट के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, अपलोड कर दिया गया है। अतः संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। इसका रिजल्ट भी छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि आपको बता दें कि इसका जो रिजल्ट है ये बोला जा रहा था कि 18 सितंबर को दे दिया जाएगा, लेकिन अभी देख सकते हैं कि 18 सितंबर को तो एग्ज़ाम ही चल रहा है यहाँ पे, और भी 2 सितंबर को जितने लोगों ने फॉर्म भरा था दोबारा ओवर एज वाले, उन लोगों का भी एग्ज़ाम है 18 सितंबर तक। तो इसका जो रिज़ल्ट आने का जो संभावना तिथि है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये 25 सितंबर तक जो है शायद इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो पहला अपडेट यहाँ से है, ये ऑफिशियल है, आपको हो सकता है कि 25 सितंबर तक बिहार एसटीईटी का रिजल्ट शायद आ जाए यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है एसटीईटी को लेकर यहाँ पे पेपर वन और पेपर टू के सभी जितने भी शेष विषय हैं उनका प्रवेश पत्र भी आपके वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। तो आप जाएं वहाँ से, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार। और ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे फाइनल एडमिट कार्ड वाला लिंक दिया गया है, यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। आप छात्र हमें ज़रूर बताएं कि आपका सेंटर कहाँ गया है। और ये देखिए एक अपडेट आ रहा है, चूँकि हर वो चीज़ अब ऑफिशियल चीज़ें दी जाने लगी है यहाँ पर, जो कि पहले न्यूज़पेपर में अपडेट किया जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया गया है ऑफिशियल इसका अपडेट कि जो सेंटर आपका कैंसिल हुआ था उन सेंटर का एग्ज़ाम जो है अब 18 सितंबर को होगा। तो चलिए, एक अच्छी पहल हुई है यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पर एक और खुशखबरी है उन छात्रों के लिए, जो कि छात्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो है ना यहाँ पर डीएलएड का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तो ये लिंक दे दिया गया है रिजल्ट का, आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं 2022 से लेकर 2024 तक का और 2021 से लेकर 2023 तक का, यहाँ पर आप जो है अपना अब जो है रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो भी अपियरिंग वाले छात्र थे ये बार बार पूछ रहे थे कि हम लोगों ने डीएलएड से अपियरिंग किया है, अप्लाई भी किया है यहाँ पर बीपीएससी के लिए, एग्ज़ाम भी दे दिया है और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है सर, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा आगे, हम लोगों का रास्ता दिखाइए। देखिए, रास्ता जो है आप लोगों ना बीएससीबी ही दिखा रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बीच में कड़ी बना हुआ हूँ जिस कड़ी से आप लोगों को ये सारी चीज़ें सबसे पहले अपडेट की जाती है। तो ये आप लोग सुबह से ही न्यूज़ देख रहे होंगे, लेकिन लिंक जो है अब यहाँ पे एक्टिवेट करके दे दिया गया है। तो इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अभी सर्वर बहुत ही ज़्यादा, चूँकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, जिसके चलते इसका सर्वर अभी बहुत ही ज़्यादा लो है। और वैसे भी तो आप लोगों को पता है ना कि बीएसईबी का सर्वर किस हालात में है और किस हालात में चल रहा है। तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा वेट करके जो है देखिए कैसे खुल रहा है, जबकि यहाँ पर इंटरनेट 5G का चल रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस तरीके से जो है आपका लिंक एक्टिवेट हो रहा है और इस तरह से खुल रहा है सारी चीज़ें। फिलहाल जो भी यहाँ पे लिंक आ रहे हैं उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और वहाँ से जो है अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप लोग जिस इंस्टीट्यूशन से अपना डीएलएड किए हैं जाके वहाँ से भी पता कर सकते हैं, वहाँ से भी जो है आप अपना जो रिज़ल्ट है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा रिफ़्रेश वगैरह कर करके देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि देखिए लिंक तो दे दिया गया है आप लोग को कि आप लोग जो है आप लोग यहाँ से आके अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों यहाँ पे, जो कि हमने आपको पहुँचाया है। अब बात करते हैं बीपीएससी के जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं, और ये भी एक अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो छात्र यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किए हुए थे।
जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ा, लेकिन सभी के बातों को सुना गया। अतुल प्रसाद जी ने एक अपडेट दिया है और ये अपडेट आप लोगों को जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पर बीपीएससी का मतलब एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब आप लोग जो भी बीपीएससी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसको लेकर, तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे 14 तारीख का यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक नोटिस जो है यहाँ पे मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ जो कि आपको नोटिस यहाँ पे खुश कर देगा। तो जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रह गया है, नहीं हो पाया है आज भी, उनको जो है ये 14 सितंबर से तिथि बढ़ाकर जो है 15 सितंबर, यानी कि एक दिन और समय आपको दे दिया गया है। विज्ञापन संख्या 26/2023 को लेकर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति को लेकर यहाँ पर कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन जो है ये 4 सितंबर से 14 सितंबर होगा किया गया था। अभी जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन इन उक्त तिथियों में नहीं हो पाया किसी कारणवश, है ना, या नहीं कराया जा सका है, वैसे अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में पूर्व में भरे गए स्थायी पता के आधार पर, यानी कि जैसे कि आपने जो है फॉर्म भरा होगा ना, तो फॉर्म भरते समय आपने अपना जो एड्रेस डाला होगा, है ना, एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस आप लोगों को कहलाता है ना, तो परमानेंट एड्रेस जो भी है, चाहे आप महिला है या पुरुष है, जहाँ का भी आपने परमानेंट एड्रेस डाला है उसी जिले में जाकर, है ना, उसी अनुसार जो है संबंधित जिला में जाके निर्धारित तिथि जो है 15 सितंबर तक इसका जो है आप लोग अपना जो मूल प्रमाण पत्रों के साथ जाएंगे जो कि आप लोगों ने अपलोड किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे लोगों का जो है जो डिजिटली उनका जो कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र वगैरह आया हुआ था उसमें, है ना, डिजिटल साइन नहीं हुआ है या नहीं खुल पा रहा है उनका साइन, तो उनको भी लेकर समस्याएं हो रही हैं उनको। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आप लोग परेशान मत हो, अगर आपका पार्शली वेरीफाई भी किया जा रहा है तो आपको यहाँ पे दोबारा मौका मिलेगा अगर आपका रिजल्ट आता है तो, ठीक है। तो मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे, और ये बातें मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, चूँकि देखिए अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट भी किया था यहाँ पे, मैं वो भी आपको दिखला दूँ। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये जो ट्वीट किया गया था इनका, और ये ट्वीट है कि पार्शली वेरीफाइड कैंडिडेट नीड नॉट वरी एज वेल रीचेक ऑल सच अ केस बिफोर द फाइनलाइजिंग रिजल्ट। आपके रिजल्ट से पहले जो है सभी जो है कंडीशन चेक किए जाएंगे, है ना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। नो न्यू डॉक्यूमेंट्स नीड टू एज द सेम मस्ट हैव बीन द सबमिटेड ड्यूरिंग द डीवी। नया कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग को यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है। आपको वरी करने का यानी कि परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप लोगों को दोस्तों। तो ये एक बड़ी अपडेट आई है यहाँ पे, और आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी का अभी नया वैकेंसी भी आने वाला है, टीआरई 2.0 कह लीजिए इसको, है ना, जहाँ पे लगभग जो है 1,00,000 से भी ज़्यादा पद, मैं 1,00,000 से ज़्यादा हर बार कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस वैकेंसी में जो सीटें आपकी रह जाएंगी उन सीटों को इस वैकेंसी में ऐड करके लेकर आया जाएगा, तो इसलिए 1,00,000 से प्लस। जहाँ पर 6 to 8 के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट बताया जा रहा है, लगभग 52,000 का सीट यहाँ पे अपडेट किया गया है, और रिक्तियाँ भी मांगी गई हैं। देखिए उन विभागों से जहाँ पे हर एक ज़िले में स्कूल हैं उनसे रिक्तियाँ मांगी गई है, उसके लिए भी एक लेटर जारी किया गया है, मैं वो लेटर आपको यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा। ये वो लेटर है दोस्तों जो कि शिक्षा विभाग ने अपडेट किया था और सभी जिला पदाधिकारियों को यहाँ पे अपडेट करके ये भेजा गया था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगतन उपलब्ध रिक्त पद की सूचना जो है विहित प्रपत्र उपलब्ध कराने के संबंध में, और ये लेटर देखिए 13 सितंबर को ही अभी जारी करके भेजा गया था, और इसमें वो सारी बातें लिखी गई हैं जो कि मैंने आपको सुबह भी अपडेट किया था। और आपको बता दें कि इसमें जो भी संशोधन किए जा रहे हैं माध्यमिक स्कूल के और उच्च माध्यमिक स्कूल के वैकेंसीज को लेकर, चूँकि आपको बता दें कि मिडिल स्कूल में जो है लगभग 52,000 की वैकेंसीज का अपडेट आ चुका है, लेकिन जो 9th से 10th और 11th से 12th तक की वैकेंसीज हैं उसको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे अपडेट करके और अपने जिलाधिकारियों को सौंपे जितने भी विद्यालय हैं, और ये जो है आंकड़ा दिया गया है और ये एक परफॉर्मा दिया गया है जो कि यहाँ पे संशोधित करके आप लोगों को डालना है किस जिले में कितना सीट है, कितना कुल अभी कार्यरत बल है यहाँ पे, या फिर जितना भी ये सारे शिक्षकों की विवरण मांगे गए हैं इसी फॉर्मेट में जो कि यहाँ पे हमने अब तक आपको ये साझा किया है। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं, तो आप लोग अब तैयार रहिए। जो भी छात्र अपना बीपीएससी का परीक्षा इस बार अच्छा नहीं दे पाए हैं वो तैयार रहें। देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि वो छात्र जो कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सीट यहाँ पे सीटेट पास हैं या एसटीईटी पास हैं, है ना, चूँकि देखिए सीटेट का तो आपको यहाँ पे मतलब रहेगा नहीं, चूँकि अगर मैं बात करूँ इस 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के
शिक्षकों की भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे तो STET लगता है, तो जिनके पास STET का जो है रिजल्ट है पहले से ऑलरेडी, वो तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो क्लास 6 to 8 की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे भी CTET जो है पेपर 2 को लेकर जो भी छात्र अपना पास कर चुके हैं वो तो आवेदन करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक बड़ी मांग भी उठ रही है, मैं वो दिखलाना चाहता हूँ, जो कि एक बड़ी संख्या में छात्र जो है मांग उठा रहे हैं यहाँ पर कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जाकर आज इन्होंने लेटर भी दिया है कि 6 साल से जो है BTET का एग्ज़ाम बिहार में नहीं हुआ है, और ये BTET का एग्ज़ाम आपको जो है BPSC के परीक्षा से पहले करा लेना चाहिए, जो कि BPSC आप TRE 2.0 लेकर आ रहे हैं, ताकि इनमें लाखों अभ्यर्थियों को जो है मौका मिल सके। और देखिए, इसमें तो CTET अलाउ है ही, लेकिन साथ ही साथ बिहार के छात्रों को भी अलाउ होना चाहिए, जिन छात्रों ने अपना CTET एग्ज़ाम नहीं दिया है, एटलीस्ट उनको एक मौका मिले। अब वो एग्ज़ाम तो नवंबर दिसंबर के बाद ही होगा, है ना, CTET का। अब जिनके पास नहीं है, एटलीस्ट उनके लिए जो है यहाँ पर BTET जरूर करवाया जाए, ताकि इस BTET जो परीक्षा के आयोजन कराएंगे तो लाखों छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, जो कि क्लास 6 to 8 में आवेदन करने के योग्य भी हो जाएंगे। तो यहाँ से इन्होंने नम्र निवेदन किया है, और ये लेटर जाके जो है इन्होंने अपना जो कि BSEB कार्यालय में दिया है, और वहाँ से इन्होंने एक रिसीविंग भी पाया है। तो ये सारी डिटेल है यहाँ पे दोस्तों, जो कि अप टू डेट की गई है इस वीडियो के माध्यम से, जो कि हमने अब तक साझा किया है। तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो आप अगर BTET करवाना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ जितने भी अपडेट हमने आपको दिए, ऐसी अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, सर्वर अभी भी इसका DLED का डाउन है ना, जिनका भी रिजल्ट आया है थोड़ा वेट कर लेंगे, रात में भी अपना एडमिट यहाँ पे जो है रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को। जय हिंद।